सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और बेटा हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। स्वर संधि हमने पढ़ ली है, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो सबसे पहले आती है व्यंजन संधि की परिभाषा। क्या आती है? व्यंजन संधि की परिभाषा लिखो सभी। व्यंजन वर्ण का व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण का स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब सबसे पहले व्यंजन संधि में आती है कौन सी संधि? इच्छुत्व संधि। पहले नंबर की कौन सी संधि आती है? इच्छुत्व संधि। ठीक है, कौन सी? इच्छुत्व संधि। इच्छुत्व इसका सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु। इस सूत्र के माध्यम से इस्तो इश्चुना इश्चु यानी कि यदि सकार यानी कि ये वाला से, ठीक है, और तय वर्ग यानी तय थ द ध न यदि सकार से यानी कि तय वर्ग तय थ द ध न के बाद या पूर्व यानी पहले के बाद या पूर्व यानी पहले शकार यानी कि दुआ वाला स, ठीक है, ये वाला स, और चय वर्ग यानी कि छ होने पर तय वर्ग को यानी कि तय थ द ध न को चय वर्ग
यानी चे छे जे झे ये आदेश हो जाता है। ठीक है, फिर से रिवाइज करवा रही हूँ एक बार परिभाषा। इश्चुत संधि, इश्चुत संधि का सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु, इस्तो इश्चुना इश्चु। ये सूत्र से ही समझो बेटा, ये क्या है, आधा सा है यानी हलंत वाला सा है, अलग से लिखेंगे इसको तो हलंत वाला सा है, यानी शे से तथा तय तय यानी तय वर्ग, से तथा तय वर्ग यानी तय वर्ग में हमारे पांच वर्ण आते हैं यानी कि तय थय दय धय न, और इश्चु यानी कि दुआ वाला शय, और चु यानी कि चैवर्ग, चैवर्ग में वो ही पांच वर्ण आते हैं चै छ जय जय ये, यानी कि संधियुक्त दो पद आपको पहले ही बताया था, स्वर संधि जब पढ़ाई थी दो पद होते हैं, यहाँ पर क्या हो सह हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो यानी कि यहाँ पर सैवर्ग हो और उसके आगे कौन सा सह हो दुआ वाला सह हो या फिर तयवर्ग हो, तो इस वाले सह को क्या आदेश हो जाता है दुआ वाला सह आदेश हो जाता है, और जब तयवर्ग आता है तो तय को कौन सा तयवर्ग को क्या आदेश हो जाएगा चयवर्ग आदेश हो जाएगा। सोनू फिर से करना है, दोबारा से कर लूँ,